ये स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और यकीन करना तो वैसे मुश्किल है, लेकिन कुछ खबरों में इशारा किया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे मारे गए राष्ट्रपति रईसी की मौत से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं। कुछ जानकारों का यहां तक मानना है रईसी की मौत का बदला रूस लेना जा रहा था। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 72 मिनट में 300 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे जाएंगे। За победу! Ура! रईसी का बदला पुतिन का परमाणु युद्ध। जिस वक्त पूरा ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के गम में डूबा हुआ था, उस वक्त पुतिन सबसे बड़ी परमाणु ड्रिल या कहीं परमाणु युद्ध की तैयारी के आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। जिस वक्त ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को कब्र में दफन किया जा रहा था, उस वक्त रूस की किंजन मिसाइल से एक साथ कई परमाणु हमले की प्रैक्टिस की जा रही थी। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खबरों में इशारा किया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति रईसी की मौत से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं। कुछ जानकारों का तो यहां तक मानना है कि रईसी की मौत का बदला रूस लेने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए 72 मिनट में 300 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मारे जाएंगे। अगर पुतिन ने रईसी की मौत का बदला एटमी हथियारों से लिया तो पूरी दुनिया में 5000 परमाणु धमाके होंगे, जो कई देशों का नहीं बल्कि पृथ्वी का ही हुलिया बिगाड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या रूस और ईरान अपने दुश्मनों पर एटमी हमला करेंगे? इस सवाल का जवाब है मिडल ईस्ट में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि रूस और ईरान को शक है कि रईसी हादसे में नहीं मारे गए बल्कि उनकी हत्या की गई है। यही वजह है कि महज 24 घंटे के अंदर रूस ने अपनी परमाणु वॉच को जमीन पर उतार दिया है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रईसी की मौत का बदला मॉस्को और तेहरान कैसे ले सकते हैं। अपुष्ट खबरों में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेहरान और मॉस्को से अमेरिका और इसराइल पर बड़े परमाणु हमले हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मैदान में उतार दिया है। रूस की कोशिश है कि किसी तरह से पूरे अरब से इसराइल और अमेरिका के दबदबे को खत्म कर दिया जाए। ईरान वैसे भी परमाणु बम की क्षमता हासिल कर चुका है। ऐसे हालात में रूस और ईरान मिलकर अमेरिका और इसराइल पर परमाणु हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस के जंगी जहाज परमाणु मिसाइलों और बमों से अमेरिका और इसराइल को तबाह कर देंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस रईसी की मौत का बदला लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रईसी की मौत पर अपने इरादे जता चुके हैं। Уверенный в себе, прежде всего, человек, который руководствовался национальными интересами, но, конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. अब आप ये भी जान लीजिए कि परमाणु हमला करने वाली रूसी एरोस्पेस फोर्सेस इस वक्त क्या कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परमाणु तैयारियों से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो 18 घंटे पहले डाला है। इस वीडियो में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की लड़ाकू इकाइयों के कर्मी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ दिख रहे हैं। रूस की तरफ से ये दावा किया गया है कि विशेष हथियारों के साथ रूस के लड़ाकू विमान और मिसाइलें जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
रूस की तरफ से केवल इतना ही बताया गया है कि दक्षिणी सैन्य जिले में तैनात सेना एटमी हथियारों के साथ मौजूद है, जिनके पास इस्कंदर मिसाइल, किंजल जैसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। खबर के मुताबिक रूसी सेना ने दक्षिणी सैन्य जिले में उच्च जोखिम वाले गैर रणनीतिक परमाणु हथियार से पहले चरण का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके अलावा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए किंजल मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया गया है। Своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы. इधर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर की हॉटलाइन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान अरब में यूएस खेमे के 7 देशों को एक साथ टारगेट बना सकता है। रूस और ईरान के इस ज्वाइंट ऑपरेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला हियन की मौत के बाद ईरान शोक में डूबा है। ऐसे हालात में अगर रूस परमाणु जंग करता है तो पृथ्वी पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा विनाश होगा, क्योंकि रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने महीना भर पहले ही बता दिया है कि रूस परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद जो हालात तेजी से पूरी दुनिया में बदल रहे हैं वो बेहद डरावने और खौफनाक लग रहे हैं।